घटना उत्तर प्रदेश के जिला बुलंदशहर की तहसील सैना की है, जहां पर एक प्राइवेट अस्पताल के कर्मियों की मनमानी एवं तीमारदार मरीज से बदतमीजी का मामला सामने आया है। हद से उस समय हो गई जब प्राइवेट अस्पताल के कर्मियों ने एक तीमारदार के बदतमीजी करते हुए सर फोड़ दिया। पीड़ित ने थाने में तहरीर दी है। जब इस संबंध में हमारे संवाददाता ने CMO बुलंदशहर से बात करनी चाहिए तो उन्होंने फ़ोन रिसीव नहीं किया। आखिर यह बदतमीजी और मनमानी कब तक चलती रहेगी? कब तक अधिकारी मौन बैठे रहेंगे और आम जनता सहती रहेगी? समर इंडिया के लिए बुलंदशहर से कृष्णा कुमार की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? अनिल। कौन से गाँव के रहने वाले हो? गाँव जोट। आपके चोट लगी है, आप सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आए हो, क्या है पूरा मामला? सर मेरी बाइक पे बच्चा हुआ था, अभी 6 तारीख को। कहाँ पर हुआ था? महालक्ष्मी हॉस्पिटल में। अच्छा, तो पहले तो उन्होंने नॉर्मली सिचुएशन बता दी थी, नॉर्मल कर देंगे। फिर एकदम अचानक इन्होंने बोला कि क्रिटिकल प्रॉब्लम है, आप बड़ा ऑपरेशन से ये होगा, आपको 155,000 रुपये का खर्चा आएगा। मैंने वो जमा भी कर दिए, फिर मैंने उनसे बिल मांगा तो बिल बोल दी कि 1 हफ्ता बाद जब तुम दिखाने आओगे जब दे देंगे। फिर मैं दिखाने आया तो फिर 5,000 रुपये मांगे चार्ज, मैंने वो दे दिया। फिर बिल मांगा तो बिल नहीं दिया, यानी जब फाइनली टोके कटवाने आओगे तब बिल दे देंगे। फिर आज आए हम तो आज टोके कटाई की फीस मांग रहे थे 4,000 रुपये। मैंने बोला सर अब इतने तो नहीं है मुझ पर, मैं सुबह जमा करा दूँगा। और उन्होंने फिर बोला कि ऐसे कैसे जमा करवा देगा, हम बाइक को डिस्चार्ज नहीं करेंगे, बदतमीजी कर रहे थे मेरे साथ। तो सर उन्होंने मुझ पर हाथ छोड़ दिया, तीन जने थे मुझे, मेरे सर में लग गई थी, उन्हें गूठी थी इनके हाथ में, जिन कड़ा था उसके उन्होंने घूसा छोड़ा था, तो घूसा मारी मारा मुझे अकेला। पुलिस को अब देंगे सूचना दी है, मेडिकल अब करवाना है, उनको बाद में सूचना देगी। क्या कार्रवाई कर रही है पुलिस? पुलिस अब कार्रवाई करेगी, मेडिकल लेके जा रहा हूँ, कार्रवाई करेगी पुलिस। भारतीय स्वाभिमान और शौर्य का उद्घोष, राजनीतिक मुद्दों से लेकर जनता के हितों की बात, अब होगी नई उम्मीद के साथ बदलते नए भारत की सोच। समर इंडिया, यही तो